मध्य प्रदेश में आरक्षण का मुद्दा गर्माता जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले कई सामाजिक वर्ग आरक्षण की मांग कर रहे हैं। ओबीसी वर्ग के आरक्षण का मामला न्यायालय में लंबित है। इसको लेकर कांग्रेस सांसद विवेक तनखा का कहना है कि आरक्षण का मामला न्यायालय में इसलिए चल रहा है क्योंकि बीजेपी सरकार ने कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए हैं। आरक्षण के मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए क्योंकि 2.5 लाख से ज्यादा नियुक्तियां आरक्षण के कारण रुक गई है। वही आरक्षण के मामले में जितनी जल्दी सुलझा जाए और वही उतना ही ज्यादा अच्छा होगा, युवाओं को रोजगार और कर्मचारियों को पदोन्नति मिल सकेगी। ये तो आरक्षण का जो पूरा इतिहास है कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट से लेकर अभी तक का, आज मैंने अपने स्पीच में क्रमवार बताया। जब ये मणिशंकर अय्यर कमेटी ये ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी तब मैं उनकी मदद कर रहा था और ओबीसी का आरक्षण का हमने प्रोविजन उसमें डलवाया था। 1993 में जब मध्य प्रदेश में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बेसिस पे पंचायती राज अधिनियम आया और नगर पालिका के अधिनियम में भी अमेंडमेंट्स आए, उसमें 27% रिजर्वेशन हम उस वक्त ले आए थे।